आप लोगों को भी कुछ बता दूं कि भाई आप लोग कैसे यहाँ पर आके जॉब को अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो सैलरी इन्होंने मेंशन की हुई है, तो आप देख सकते हो कि भाई 20 पाउंड मिलते हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए और यहाँ पहुँच गए हो गए। तो भाई बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि यार हमें जॉब का नहीं पता लग रहा कि जॉब को कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर यार जॉब अप्लाई करने का एक बड़ा ही डिफरेंट वे है, वो आप लोगों को मैं आज समझाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को भी पता लगे। क्योंकि मैं खुद भी अपनी ना फील्ड चेंज करना चाह रहा था पार्ट टाइम जॉब के लिए, तो मैंने सोचा अगर मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ ठीक है, तो आप लोगों को भी कुछ बता दूँ कि भाई आप लोग कैसे यहाँ पर आकर जॉब को अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जॉब्स का यहाँ पर सिस्टम यार बहुत हार्ड चल रहा है, बहुत कॉम्पिटिशन चल रहा है। अगर तो किसी को आती कोई भी जॉब मिल जाती है, कोई भी जॉब मिल जाती है, तो भाई उस जॉब के साथ स्टिक करो। क्योंकि जॉब्स का मैंने आपको बताया कि इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, इवन के लंदन बर्मिंघम हर सिटी में ही चल रहा है। तो करना आपको यही है कि भाई अगर कोई जॉब दे रहा है, कोई भी जॉब दे रहा है, उसको स्टार्ट करो ताकि आप फर्स्ट मंथ के कम से कम अपने एक्सपेंस उठा लो। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आप यूज टू हो जाते हो, मे बी आपको वही जॉब पसंद आ जाए। अगर नहीं पसंद आती तो भाई आप किसी और जॉब पे स्विच कर सकते हो। कैसे स्विच कर सकते हो? अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार मेरी ये फील्ड है, मुझे जॉब मिल जाएगी या नहीं। कोई कहता मेरी कोई फील्ड है, कोई कोई कहता कि मुझे कुछ आता ही नहीं है ना, ठीक है, अब माइंड नहीं करना। कोई ऐसे डिपेंडेंट कह लो के साथ आ जाते हैं जो ज़्यादा पढ़े नहीं होते, तो वो कहते हैं कि यार कोई ऐसी जॉब हो जिसमें हमें कुछ ज़्यादा इंग्लिश भी ना बोलनी पड़े, कोई ज़्यादा काम हार्डवर्क भी ना हो। तो उनके लिए भी मैं आज बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे उसको अप्लाई कर सकते हो और कैसे आप जॉब हासिल कर सकते हो। तो चलते हैं भाई मेरी स्क्रीन पर। तो यार अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों को जॉब अप्लाई कैसे करनी है, जो कि आपकी पसंदीदा जॉब हो। लाइक अब आप देख सकते हो कि मेरी स्क्रीन पे सैटरडे सेल्स असिस्टेंट लिखा हुआ है, यानी कि मैंने पिछले दिनों में सेल असिस्टेंट की यहाँ पर जॉब सर्च की है। मैं अभी दिखा देता हूँ, मैंने सिर्फ सेल्स लिखा है, अभी इतना ही लिखा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख लो सेल एसोसिएट सनग्लास हट हैरेट्स मेंस लोअर ग्राउंड फ्लोर। तो यहाँ पर हर तरह की जॉब आ जाएगी। ये देखो आप, किसी ने 2 डेज़ अगो पोस्ट की है, किसी ने 5 डेज़ अगो पोस्ट की है, और ये जॉब्स हैरेट्स की हैं। हैरेट्स यानी यहाँ का महंगा तरीन जो प्लाजा है उसके अंदर जॉब है सनग्लासेस के लिए। और अब देख सकते हो यहाँ पर आपको उसी टाइम पता चलता जाएगा कि कितनी पे है। ये देख लो, ये 18,000 to 21,000 आ ईयर है, और ये पार्ट टाइम है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब ढूँढ रहे हो, कैसी जॉब ढूँढ रहे हो। आपको हर चीज़ मिलती है और यहाँ पर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है, मैंने अपनी जो सेटिंग्स की है वो पार्ट टाइम के लिए की है, क्योंकि मैं फुल टाइम नहीं कर सकता, मैं स्टूडेंट हूँ। तो ये देखो फुल टाइम का भी ऑप्शन है, उसके अंदर भी उन्होंने दिया हुआ है 22,000 to 23,000 ईयर, और नीचे लिखा हुआ है अप्लाई विद योर इंडीड CV। ज़रूरी नहीं है आपने इंडीड CV के साथ अप्लाई करना है, आप अपनी CV भी इसके अंदर अपलोड कर सकते हो अगर आपके पास इंडीड की CV नहीं है, वरना आप बना भी सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर ज़्यादातर हैरेट्स की हैं, ये सलोन स्क्वेयर की है, उसके बाद लकड़ी फूड सेल्स असिस्टेंट हैरेट्स के अंदर है, यानी कि यहाँ पर फूड का एक डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, वो मैं आपको हैरेट्स की किसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो उसके अंदर भी जगह है, और देख सकते हो कि 10.20 पे कर रहे हैं पार्ट टाइम के लिए। और ये देखो ट्रेनी सेल असिस्टेंट, पार्ट टाइम सेल असिस्टेंट, तो हर जगह के लिए, हर तरह के रोल के लिए यहाँ पर जॉब अवेलेबल है। अभी एक और डेमो देता हूँ लाइक। तो यार देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ SIA, मैंने आपको बताया था कि जॉब्स हैं, लेकिन ये लंदन ईस्ट में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है कि इसको ख़त्म कर देना, सिर्फ लंदन को मेंशन करो, और आप देख सकते हो आपके पास जॉब्स ही जॉब्स आ जाएंगी। अब ये देख सकते हो पहले ही जॉब जो है वो हीथरो में है, फीमेल सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए इनको, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक गलती की है, पार्ट टाइम लिखा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो उन्होंने ईयरली पे किया हुआ 25,000 प्लस है, इट्स मीन कि ये परमानेंट जॉब है, और किसी ने 4 मिनट्स अगो पहले ही विजिटेड किया है। तो जो भाई पहले विजिट कर लेगा तो जॉब उसी की होगी। आगे आप देख सकते हो सिक्योरिटी ऑफिसर्स 11 pound to 12.70, पार्ट टाइम लिखा हुआ है, 12 hour shift है। उसके बाद अगेन डोर सुपरवाइज़र up to 20 pound, तो आप देख सकते हो कि भाई 20 pound मिलते हैं इसमें। थोड़ा सा डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे भी, लेकिन स्टार्ट उन्होंने 30 pound से लिखा हुआ है। अब टाइम टू टाइम आप इसको देखते जाओ कि कितनी जॉब्स हैं, आपने बस इसको देखो, किसी ने अभी जस्ट पोस्टेड किया है ठीक है, डोर सुपरवाइज़र, नीचे
इल्फर्ड भी मेंशन किया है, किस एरिया में है ये भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो एक मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है इस पर। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी £12 an hour पार्ट टाइम परमानेंट, जो आपको पसंद है वो कर सकते हो। एस आई ए रिक्वायर्ड, इसमें सिर्फ उन्होंने रिक्वायरमेंट एक ही लगवाई है कि एस आई ए चाहिए। नीचे भाई फुल जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उन्होंने और सारा कुछ बताया कि आपको क्या, ज़्यादातर यही लिखा होता है कि आपको कम्युनिकेट करना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आता है आपको उसकी हेल्प करनी पड़ती है और आपको वहाँ पर इंग्लिश ही नहीं बोलनी आ रही तो थोड़ा मसला बन सकता है। तो अब आप देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10 hour shift 12 hour 8 hour day shift मंडे टू फ्राइडे नाइट शिफ्ट, जो आपको चाहिए आप वो कर सकते हो। और यहाँ पर वो भी मेंशन किया है कि हायरिंग 4 candidates, ठीक है। तो 4 बंदे यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे, पहले पहले की बात नहीं, जिसकी प्रोफाइल मैच करती होगी तो वो उसको फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हैं कि आप कौन है, कहाँ पे हैं, ये वो, तो वो बात की बात है। लेकिन पहली बात है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अभी मैं एक डेमो देता हूँ, आपने अप्लाई नाउ कर देना सीधा यहाँ पर। अब देखो मैंने ऑलरेडी एक सीडी अपनी सीवी बनाई हुई है, ठीक है। आप इंडीड सीवी भी बना सकते हैं, ऊपर रिकमेंड भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ऑलरेडी पुरानी बनाई। रिप्लेस करना हो तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसी के साथ कंटिन्यू करूँगा। अब देखो उन्होंने पूछा कि मेरे पास वैलिड एस आई ए है, तो यस मेरे पास है। अब वो मुझे पूछ रहे हैं कि भाई आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस, यहाँ पर आप कुछ भी यार मेंशन कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल नहीं हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक मैं अभी बता देता हूँ कि मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर का किया है और असिस्ट कंपनी लिख देते हैं और कंटिन्यू कर देता हूँ। अब देखो प्लीज़ रिव्यू योर एप्लीकेशन, इसमें मेरा नाम ईमेल सब कुछ उन्होंने मेंशन किया होगा। तो एंड वे सबमिट योर एप्लीकेशन, तो मैं इसको सबमिट दबा दूंगा तो ये मेरी एप्लीकेशन चली जाएगी, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो यार अब एक और डेमो देता हूँ। लाइक आप अगर कहते हैं कि यार मैं थोड़ा सा शाय हूँ, मैं फ्रंट पे काम नहीं कर सकता, लाइक जैसे ऐसे ही का काम है और सेल असिस्टेंट का है, वो बिल्कुल फ्रंट पे रहना होता है और उसके लिए थोड़ी सी इंग्लिश भी अच्छी चाहिए होती है, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना होता है कस्टमर के साथ। तो अगर आप कहते हो कि नहीं यार मैं ज़रा बैक पे काम करना चाहता हूँ, लाइक फूड के लिहाज से कोई काम करना चाहता हूँ, तो आप कोई कंपनी लिख सकते हैं। यहाँ पर तो यार बेशुमार कंपनी है। लेट्स सी, हम अभी सबवे ले लेते हैं। तो सबवे लिखो सिर्फ, और आप देख सकते हो कि सबसे पहले उन्होंने चाय वाला के लिए लिखा है कि चाय वाला को टीम मेंबर चाहिए स्टैटफोर्ड में। ये मेरे घर के पास है क्योंकि मैंने लोकेशन ऐसी लगाई है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि सबवे सैंडविच आर्टिस्ट चाहिए, नेक्स्ट भी सबवे की पोस्ट है। तो चलो लेट्स सपोज आप इसको खोल लेते हो और आप देख सकते हो सैलरी इन्होंने मेंशन की हुई है। उसके बाद जॉब टाइप फुल टाइम या पार्ट टाइम, जो आपको पसंद हो। बेनिफिट्स नीचे लिखे हुए हैं कि आपको डिस्काउंट होगा, एम्प्लॉय डिस्काउंट है, कंपनी पेंशन है, और सारा उसमें आपका रोल बताया हुआ है कि आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा। वो ये ज़्यादा कुछ पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं, फ़िलहाल अप्लाई करो। और ये देखो ये आप पढ़ सकते हो क्योंकि उन्होंने लिखा है कि ओवर 18 years only, तो ये ज़रूरी है। एजुकेशन भी है कि भाई हाई स्कूल हो, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। खैर ये बहुत ज़्यादा मैं आपको बताऊं तो जिसे कहते हैं ना फ़र्क नहीं डालता, क्योंकि जब उनको ज़रूरत होती है तो भाई वो किसी को भी रख लेते हैं। नीचे उन्होंने सैलरी मेंशन की है, आपके बेनिफिट्स दोबारा बताए हैं, शेड्यूल बताया है कि 10 घंटे की भी हो सकती है, 8 घंटे की। अगर आप स्टूडेंट हो तो यार बेस्ट है कि आप 10-10 घंटे की 2 shifts कर लो कि 20 घंटे पूरे हो जाते हैं, वरना यहाँ पर या 8-8 घंटे की मिलती है या 7-7 घंटे की मिलती है, कभी 9-9 घंटे की मिलती है, तो ये काम बहुत बकवास है। तो अगर आपको 10 घंटे का कोई ऑप्शन दे रहा है तो बेस्ट ऑप्शन है, तो सीधा आपने इसको अप्लाई नाउ करना है। सीवी मैंने आपको बताया ऑलरेडी मेरी दी हुई है, कंटिन्यू करूँगा और जैसे मेरा बाकी प्रोसेस मैंने किया था आपको पिछले मैंने बताया ऐसा ही है के लिए, वैसे ही आपको अप्लाई कर देना है। तो मेरे नहीं ख्याल में यार कोई ख़ास मुश्किल काम है। तो यार देखो मैंने वहाँ पर जॉब अलर्ट किया हुआ था, तो मुझे ऑटोमेटिकली वहाँ से एक ईमेल आई है कि भाई आपके लिए ये जॉब हमें सूटेबल लगी है आपकी सीवी के हिसाब से, तो अगर आप जॉब ये करना चाह रहे हो तो आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करो और आगे फर्दर जिसे कहते हैं ना प्रोसेस शुरू कर दो। अब जॉब क्या है वो उन्होंने लिखा हुआ है, फाइनेंस के लिहाज से है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और ये है भी फुल टाइम के लिए परमानेंट है, तो ये मेरे लिए नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा।
ये नीचे मेरी यूनिवर्सिटी का आया है मैसेज, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी का सर्वर डाउन हो गया था तो अब वो ठीक है। तो ये मेरी यूनिवर्सिटी का बहुत बेनिफिट है कि यार वो इस मामले में बहुत अच्छे हैं, आपको अपडेट करते हैं। अब नेक्स्ट दोबारा उन्होंने मुझे एक ईमेल की है कि भाई एक और जॉब है आपके लिए। अब वो उसमें भी उन्होंने सारा कुछ बताया कि ये पार्ट टाइम है तो ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये जॉब कोई क्लिनिक की है तो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं, तो मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा ऐसे ही। अब देखो ये मेरे काम की है सेल असिस्टेंट, तो इसको मैं आगे फर्दर, अब देखो पे £750 पर वीक है, पर ये फुल टाइम के लिए है, तो जो फुल टाइम करना चाह रहा है तो भाई वो अप्लाई कर सकता है। तो यार ऐसे आपको ईमेल आ जाती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बस सब्र का काम है ठीक, क्योंकि बहुत से लोग अप्लाई करते हैं। तो बस मैंने ऐसे ये कि जॉब अपनी ऐसे ली थी कि मैंने कम से कम 10 से 15 में अप्लाई किया था, उसमें से मुझे 4 या 5 में से कॉल आई थी और फिर जो मुझे पसंद आई थी तो मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो कोई घबराने वाली बात नहीं यार, इजी काम है, बस ये कि अपनी CV बना लेना और CV को बिल्कुल वैसे ही अपडेट रखना जिस तरह की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें चेंजेस करते रहना। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को कुछ समझ आया होगा कि भाई आप लोगों ने यहाँ पर कैसे जॉब अप्लाई करनी है, कौन सी फील्ड में करनी है और उसका रिस्पांस कैसे वापस लेना है। तो अगर तो भाई मज़े की वीडियो बनी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।